दुर्ग लोकसभा से प्रत्याशी विजय बघेल हमारे साथ हैं। हम उनकी दिनचर्या किस तरीके से होती है जब वो प्रचार करने जाते हैं उसको देखने के लिए पहुंचे हैं। अभी लोकसभा प्रचार की तैयारी कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। हम सीधे उनसे चर्चा करेंगे। सर, दिनचर्या किस तरीके से शुरुआत होती है आपकी? हम देख रहे हैं आप डेली बासी खा के निकलते हैं घर से और उसके बाद कंटिन्यू जो है वो सभाएं चलते रहे। नहीं, मेरा तो शुरू से आदत ही है, जैसे गर्मी लगती है तो मैं बासी खाना शुरू कर देता हूँ। बासी से पेट ठंडक भी रहता है और इसमें विटामिन है। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, बड़ा विटामिन भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बासी में। उसको डुबा देते हैं और दिन में उसमें दही और प्याज डाल के, आम का अचार हो गया तो और बढ़िया, टमाटर की चटनी हो गई और भाजी साग हो गया था आज भाजी साग। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी काफ़ी प्रमोट इसको किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक ब्रांड बनाया कि छत्तीसगढ़ में शुरू से ही ये चीज बचपन से देख रहे हैं, हमारे पुरखे खा रहे थे। ये कोई ब्रांड वांड नहीं है, वो दिखावा था उनका, दिखावा कर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये उनकी आदत ही है। ये तो सबके रग रग में है और साउथ में भी चलन है। आंध्र वाले खाते हैं, उड़ीसा वाले खाते हैं, तमिलनाडु वाले खाते हैं, उत्तर प्रदेश के कई भाग में बासी खाया जाता है। सर, प्रचार किस तरीके से चल रहा है? शुरुआत कैसे होती है दिन की? जितना करो कम है, और लोकसभा क्षेत्र बड़ा है ना, 9-9 विधानसभा है। रात को करीब 2:30 बजे आया मैं, सुबह उठ के कुछ लोग मिलने आ गए, बैठे चाय पिए परिवार के साथ। और मेरी श्रीमती जब चुनाव के समय आते हैं तो सुबह सुबह महिलाएं मनरेगा के लिए आती हैं रोजगार गारंटी में, तो उनसे वो प्रचार के लिए निकल जाती है। सुबह से करीब करीब मैं उठा नहीं था, उससे पहले निकल गई वो। मैं लगभग 8 बजे उठा, उससे पहले 7:30-8:15 को निकल गई थी। आपसे पहले परिवार जिम्मेदारी संभाल लेता है प्रचार का? यही तो परिवार है। दीदी लोग निकलेंगी अभी, मेरी दीदी अभी बड़ी दीदी आई है, छोटी दीदी आई है, और दीदी ना मेरा सब ख्याल रखती है। छोटी दीदी मेरे से बड़ी है, मेरी छोटी दीदी है, और बड़ी दीदी भी आई है। कल भी बड़ी दीदी निकली थी उधर, गायत्री परिवार से हम लोग जुड़े हैं, तो गायत्री परिवार के लोगों को तो खैर हिंदुत्व के प्रति ये है और वो तो सब बीजेपी के लिए लगे ही। लक्ष्य कितना रहता है, कितने घर लोगों तक पहुंचते हैं, ऐसा कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जाना रहता है चुनौतियाँ? अपने संयोजक है विधानसभा वाइस, वो लोग लाइन से कार्यक्रम बनाते हैं। अब समय की मर्यादा है ना, सुबह 9:30-10 बजे कार्यक्रम शुरू होता है और रात को 10 बजे तक तो माइक बंद होना है। उसके बाद से ये तो नियम है चुनाव आयोग का, उसके बाद लोगों से मिलना जुलना, वहाँ भोजन करना और बैठना। और दूर गांव है, कल तो मैं बहुत दूर था, नवागढ़ क्षेत्र में से आया आखिरी। सर, खाना लेके जाते हैं कि फिर वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्यकर्ताओं के साथ खाना होता होगा रात में? गाँव में ही सबके साथ हम लोग, जो जो कार्यकर्ता रहते हैं 150 कार्यकर्ता, एक सामूहिक भोज बनता है। समय फिक्स है, दोपहर का खाना फिर रात का खाना, उनके साथ ही मैं खाता हूँ। मतलब ये थे विजय बघेल जी जो घर से बासी खा के तो निकलते हैं, लेकिन रात में कब खाना खाना है ये तय नहीं होता है क्योंकि प्रचार का दौर लगातार जारी है। खाने की टेबल पे हमारे साथ विजय बघेल की दो बहनें भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। मैम, किस तरीके से भैया जब प्रचार के लिए जाते हैं, आप लोग भी सबसे पहले खाना खिला रहे हैं, उसके बाद खुद भी प्रचार के लिए सब निकलते हैं, तो किस तरीके से आप लोग क्षेत्रों में जा रहे हैं? मैं घर में रहती हूँ, घर में सारा व्यवस्था देखती हूँ। जैसे विजय उठ गया, रजनी तो चली गई है, विजय की वाइफ जो है वो सुबह से चली निकल गई है, तो मैं घर में रहती हूँ, कोई आ रहा है जा रहा है देखना, विजय उठ गया तो उसको चाय पानी का और खाना वाना का देखना, दवाई पानी देना, फिर उसके बाद वो जाता है। वो दीदी लोग आते हैं, बड़ी दीदी लोग, वो लोग बाहर जाते हैं। मैं घर में ही रहती हूँ, बहुत सारे लोग दिन भर आते जाते रहते हैं। जी बिल्कुल, दिन भर आते जाते लोग रहते हैं, उम्मीदें भी खूब रहती, तो एक चुनौती भी हो जाती है कि संभालना लोगों को और उसके बाद उनसे मिलना जुलना। हाँ, सबसे प्रेम से मिलना, सबको खाना खिलाना, नाश्ता कराना, जिसको जिधर जाना है उधर बताना, यहाँ लिस्ट मेरे पास रहती है ना, बहुत बार कोई इधर वाले आएंगे तो उस तरफ जाएंगे करके भेजना, ऐसे टाइप का। आपसे बात करते हैं, आप भी बड़ी बहन है विजय बघेल जी की, तो किस तरीके से देख रही हैं? अभी भैया तो लगातार प्रचार के लिए जा रहे हैं, आप लोग किस तरीके से जिम्मेदारी संभाल रही हैं? मैं जिस क्षेत्र में विजय नहीं पहुँच पाता ना उस तरफ मैं जाती हूँ,
सब लोग काफ़ी रहते हैं, मतलब खुश होते हैं कि दीदी आई है, चलो प्रत्याशी नहीं आया है तो इसलिए दीदी आई है, तो उनका मेरा बहुत सम्मान भी करते हैं लोग। और लोग इकट्ठे होते, मैं ज़्यादा चल नहीं सकती ना, तो जानबूझ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, फिर सबको मैं आग्रह करती हूँ अपना जिताने का जो भी है। पूरे परिवार के लोग ऐसा निकल रहे होंगे, निकलते हैं जिधर ये लोग नहीं जाते ना, रजनी विजय उधर मैं जाती हूँ, परिवार के सदस्य की एक एक जिम्मेदारी। इतना सारा विधानसभा है, 9 विधानसभा, इंटीरियर वगैरह सब में जाती हूँ मैं, भले मैं चल नहीं सकती लेकिन गाड़ी में बैठ के सब घूम लेती हूँ पूरा हर जगह। कल भी इधर उमरकोटी वगैरह गई थी। मेहनत किस तरीके से करते हैं? मेहनत तो बहुत करते हैं एकदम, कबड्डी वगैरह खेले पहले शुरू में, उसमें अपनी टीम बनाए, कहाँ कहाँ गए दुनिया भर की सब हर जगह, और पढ़ाई भी साथ साथ चालू था। उसके बाद पहले जल्दी शादी हो जाती थी, शादी हो गई उसके बाद भिलाई में तो नौकरी कर ही रहे थे हम BSP में, फिर वो सांसद अपना राजनीति में भी ब्लॉक अध्यक्ष बने, ये बने सब बने। उसके बाद फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, जब टिकट नहीं मिली तो यहाँ नगर पाल भिलाई नगर पालिका के लिए, उसमें जीत गए, तब से उनका राजनीति ये दौर चालू हो गया चुनाव लड़ने का, उसको वो सवार हो गया बहुत मतलब। तो ये थे प्रचार से पहले खाने की मेज में हम बैठे थे विजय बघेल के साथ, उनके साथ दोनों बहनें हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बचपन में विजय बघेल जी काम करते थे, प्रतिभा के धनी थे, खेल के साथ राजनीति के साथ एक सामंजस्य बिठाना और परिवार में जो मेल मिलाप स्नेह चल रहा है, आगे और भी प्रचार के दौरान हम साथ रहेंगे, जारी रहेगी हमारी बातचीत। विजय बघेल जी प्रचार के लिए निकल चुके हैं, हम उनके साथ उनकी गाड़ी में मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। विजय बघेल जी स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। 5 साल आप सरकार तो बेहतर चली, मोदी सरकार का काम काज भी दिखा, आपका काम कितना बेहतर रहा इन 5 साल में? बहुत कुछ कर नहीं पाए क्योंकि सरकार स्टेट में कांग्रेस की थी और कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी थी। जो हमारे केंद्रीय योजनाएं हैं, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, सभी योजनाओं को यहाँ के जो सरकार थी वो पूरी तरह ध्वस्त कर दी, मतलब लोगों तक योजना पहुँच नहीं पाई। सरकार उनकी थी, अधिकारी उनके थे, उनके निर्देश पे चलते थे, हम लोग 5 साल उसी में लड़ते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिले उसके लिए लगे रहे। रही सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर की, शिक्षा के क्षेत्र में IIT का बहुत बड़ा जो कॉलेज बन रहा था वो संपूर्ण हुआ और उसका लोकार्पण भी अपने कार्यकाल में हुआ। EMI का हॉस्पिटल जो श्रमिकों के लिए, और सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ। साथ ही साथ जो भारतमाला स्कीम है वो मेरे क्षेत्र से होकर भी निकलती है और बहुत दूरी तय कर रही है, ये काम शुरू हो गया है। रेलवे लाइन हमने मांग की थी बेमेतरा होते हुए उधर बिलासपुर में जोड़ा जाए, तो उस पर भी सर्वे के कार्यवाही के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही साथ एक रेल लाइन इधर मेरे जो इधर वाला क्षेत्र है दुर्ग से पाटन जी, तो पाटन क्षेत्र से उधर होते हुए धमतरी लाइन के बाद से उधर जगदलपुर जुड़े, उसके लिए हमने प्रयास किया था, वो भी शुरू होनी है, उसमें अभी कोई सफलता नहीं मिली है। इस बार चूँकि हमारी सरकार है, माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पर लाकर लोगों को सौगात देंगे। जैसे NCR के तर्ज पर SCR रायपुर राजधानी से होकर राजनांदगढ़ जाएगी, जिसमें मेरे लोकसभा क्षेत्र का बहुत सारा हिस्सा उसमें लाभान्वित होगा। ऐसे बहुत सारे काम है जो आप कर नहीं पाए करके बता रहे हैं, BSP भिलाई स्टील प्लांट भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, और यहाँ की स्वास्थ्य शिक्षा का सेक्टर 9 का हाल तो आप जानते हैं, तो क्या विजन है, क्या कुछ करना है बेहतर इसके लिए? स्टील मिनिस्ट्री जो तय करती है उसके अनुसार यहाँ काम होता है, क्योंकि धीरे धीरे अब इन जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल थे यहाँ, उसको बंद करने की योजना वहाँ से ही चल निकली है, तो और शिक्षा के क्षेत्र में जो हम PM श्री है जी, उनको हम लाना ज़्यादा पसंद करेंगे, ताकि प्रधानमंत्री जी को की जो परिकल्पना है और पूरे देशवासियों की परिकल्पना है कि नई शिक्षा नीति में किस तरह एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो सके,
तो हमारा सारा फोकस रहेगा पीएम श्री स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में करें। अभी लगभग 11 स्कूलें मेरे क्षेत्र को मिली है, हम चाहेंगे इसके बाद हम 111 के पार करने की मेरी मंशा है और वो हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग तैयार है। जो बीएसपी के स्कूल बंद हो रहे हैं उन बिल्डिंगों का हम उपयोग करेंगे, साथ ही साथ और जो बेमेतरा क्षेत्र में भी कुछ स्कूलें स्वीकृत हुई है उसके और अतिरिक्त भी बेमेतरा जिला में भी स्वीकृति के दिशा में है, तो उसको भी चुनाव के बाद उसमें तेजी लाएंगे। उसके अलावा जो स्वास्थ्य के लिए आपने कहा कि बीएसपी वाकई में सेक्टर 9 अच्छी व्यवस्था थी, हम चाहेंगे कि उसको शासकीय हॉस्पिटल का दर्जा मिले या एम्स के तर्ज पर वो आगे डेवलप हो, क्योंकि 700 से ज़्यादा बेडेड तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसका सदुपयोग आगे सामान्य वर्ग के लिए भी हो, बीएसपी वर्करों के लिए भी हो, उस तरह की योजना हम उसके लिए लाएंगे। सर, वोट मार्जिन को लेकर बीजेपी काफ़ी फोकस कर रहा है, आप इससे पहले सांसद रहे हैं और अच्छी मार्जिन से जीते हैं, तो क्या लगता है जातिगत समीकरण भी यहाँ मायने रखता है दुर्ग लोकसभा में, तो किस तरीके से देख रहे हैं वोट मार्जिन क्या बढ़ रहा है? अभी पूरा जाति समाज पूरे धर्म सिर्फ एक भाव से लगे हैं कि हमको राष्ट्रहित के लिए करना है, देशहित के लिए करना है, और माननीय मोदी जी के साथ जन जन है, इसमें सब सामाजिक समरसता के भाव से जो माननीय मोदी जी काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, वो मेरे मन में भी है। मेरा भी बचपन से सामाजिक समरसता की हमने बात की, ठीक है अपने अपने समाजों में हम लोग अपनी सेवा करते हैं, सामाजिक संरचना है, मगर जहाँ तक देश और प्रदेश की बात हो या क्षेत्र की बात हो उस दिशा में निश्चित रूप से अपने मन बनाते हैं, और आज पूरा देश उसी दिशा में चल पड़ी है कि हम राष्ट्रहित के लिए देशहित के लिए हम अपना वोट करेंगे, तो इसमें जाति धर्म नगण्य हो गया है और व्यक्तिगत इमेज भी काम करता है, चाहने वाले लोग हैं उनके भी चाहने और जो विपक्ष प्रत्याशी उनके भी चाहने वाले लोग हैं, ये भी बहुत कुछ मायने रखता है। उसमें जहाँ तक मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे सभी धर्मों सभी जातियों से एक सामान्य और बहुत अच्छा मधुर संबंध है, जहाँ तक आप इंकित किए कि साहू समाज से, साहू समाज बहुत सरल सहज समाज है और हमेशा से उस समाज से मेरा आत्मिक लगाव और प्रेम रहा है, उसी तरह वो भी मुझे मानते हैं, कभी भी ये जाति समीकरण आड़े नहीं आया है। दो सांसद ही हैं जिनको टिकट दी भाजपा ने, मोदी का चेहरा काम किया, इसके अलावा क्या लगता है कि व्यक्तिगत चेहरा भी है जो काम कर रहा है और आपकी लोकप्रियता की वजह से आपको दोबारा टिकट मिला? मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसे लोग बहुत सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं, और मैं भी उसी रूप में लोगों को मान सम्मान और प्यार देता हूँ। मेरे को चुनाव में जहाँ तक फिर से टिकट मिली उसके पीछे लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है, क्योंकि जो सर्वे होता है वो जन जन के माध्यम से जो नाम आता है उसी के आधार पर टिकट, उसी नज़रिए से मुझे देखते हैं कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजय बघेल हो, इसलिए मुझे टिकट मिली, इसलिए मैं सदा आभारी रहूँगा यहाँ के देवतुल्य जनता जनार्दन का, मेरे पार्टी के एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई बहनों का और युवा साथियों का, कि उनके प्यार के बदौलत उनके स्नेह के बदौलत मुझे फिर से ये सौभाग्य मिला है। तब मैं अपने कर्मों में विश्वास करता हूँ, लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूँ। विजन क्या है अब इस बार का और कितने वोट मार्जिन का आप लक्ष्य रखें? भाई बहन हैं और युवा साथी हैं उन्हीं के जुबान से नारे निकल रहे हैं, देवतुल्य जनता जनार्दन के मुख से ही नारे निकल रहे हैं कि पिछली बार हम 3 लाख लगभग 92,000 से जीते थे, इस बार 6 लाख पार करके चुनाव जीतेंगे, 6 लाख से अधिक वोटों से हम चुनाव जीतेंगे, ये उनके जुबान से निकल रहा है। ये थे विजय बघेल जी, जिन्होंने बताया कि प्रचार लगातार जारी है और इस बार 6 लाख से अधिक वोट का लक्ष्य है, जो जिसे पाने के लिए युवा कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छे चेहरे हैं। भूपेश बघेल जब पाटन चुनाव में थे तो उनके साथ वो चुनाव लड़े हैं, तो इस बार हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि एक बार के सांसद रहे, विधायक रहे और अभी भी उम्मीद है कि अच्छे मार्जिन से वोट से ये जीतेंगे। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।